नमस्कार दोस्तों, G5 पर फिर से आप लोगों का फेवरेट सीरियल जमाई राजा सीजन 3 लौट रहा है, क्योंकि सुनने में एक रिपोर्ट के अनुसार आ रहा है जमाई राजा जो कि सीजन 3 आपको G5 पर लौट रहा है। इससे पहले भी जमाई राजा सीजन 2 जो कि एक वेब सीरीज दिखाया था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, जो कि एक बार फिर से वो ही सीजन 3 में कम बैक कर रहा है। सीजन 3 की बात कर लेते हैं तो सीजन 3 कोई एक वेब सीरीज नहीं होने वाली, एक टेलीविजन सीरियल के तौर पर दिखाया जाएगा। क्योंकि सीजन 2 की बात की जाए तो सीजन 2 एक वेब सीरीज दिखाई थी, जो कि आपके अपनी फेवरेट नागिन एक्टर्स निया शर्मा और उसमें जमाई राजा एक्टर रवि दुबे दोनों ही काम कर रहे थे। निया शर्मा काफ़ी हॉट अभिनेत्री में गिनी जाती हैं, जो कि लोगों को पता है कि आज के टाइम की सबसे महंगी और सबसे सुपरहिट एक्टर्स में से गिनी जाती हैं। साथ ही दोस्तों बता देता हूँ, जिस तरीका से रवि दुबे और निया शर्मा की बॉन्डिंग देखने को मिली थी, लोगों ने इस बॉन्डिंग को काफ़ी पसंद भी किया था। साथ ही रवि दुबे का नाम एक बार फिर से चर्चाओं पर है, क्योंकि उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट जमाई राजा सीजन 3 आखिर कब लौट रहा है इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं, रवि दुबे अपने उसी पुराने किरदार और उसी पुराने अंदाज में फिर से नजर आएंगे सिड की भूमिका निभाते हुए। साथ ही मैं बता देता हूँ, निया शर्मा अपने उसी पुराने गेटअप यानी रोशनी पटेल की भूमिका में नजर आएंगी। पुरानी स्टार कास्ट सभी ही एक बार फिर से आपको देखने को मिलेंगी और उसी अंदाज में देखने को मिलेंगी, क्योंकि सीजन 2 जो दिखाया था वेब सीरीज वो काफ़ी बोल्ड सीन से भरमार था। हालांकि लोगों ने इस सीरीज को काफ़ी पसंद किया था, जो कि 10 एपिसोड आपने देखे थे। लेकिन दोबारा बात कर लेते हैं सीजन 3 की, तो सीजन 3 में डीडी पटेल का किरदार निभाने वाली अचेतन कौर फिर से एक बार कमबैक कर रही हैं, और दोनों माँ बेटी की जो कि डीडी पटेल और उसके साथ में रोशनी पटेल की अलग जुगलबंदी देखने को मिलेंगी। हालांकि निया शर्मा की बात करते हैं तो निया शर्मा रवि दुबे के साथ में कपल्स की भूमिका में निभाती नजर आएंगी। दुर्गा देवी पटेल का किरदार निभाने वाली अचेतन कौर रियल लाइफ में भी रवि दुबे और निया शर्मा को काफ़ी प्यार भी देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबे पता है कि निया शर्मा काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। वहीं रवि दुबे की बात कर लेते हैं तो रवि दुबे आज के टाइम के सबसे बड़े और सबसे महंगे एक्टर्स में से गिने जाते हैं। निया शर्मा रवि दुबे एक दूसरे के साथ में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, जो कि उनका सीरियल इसीलिए सुपरहिट होता है, क्योंकि ये सीरीज जो कि कहीं ना कहीं GTV की सीरीज थी, जो कि GTV पर सीजन 1 दिखाया था, लोगों ने काफ़ी इसको पसंद भी किया था। और मैं आपको बता देता हूँ, सीजन 2 जो कि एक G5 पर दिखाया गया था वेब सीरीज के तौर पर, लेकिन सीजन 3 की बात कर लेते हैं तो सीजन 3 कोई वेब सीरीज नहीं है, टेलीविजन सीरीज है, जो कि आप लोगों के बीच में फिर से लौट रही है। इसकी स्टार कास्ट की बात की जाए तो रवि दुबे मुख्य और एक अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। उनके अपोजिट निया शर्मा बोल्ड एक्टर्स दिखाई देंगी, जो कि उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेंगी, क्योंकि रवि दुबे निया शर्मा का जब जब कोई कहानी आती है तो दोनों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है लोगों के बीच में, और सभी इसको पसंद करते हैं। अचेतन कौर जो कि दुर्गा देवी पटेल का किरदार निभाती नजर आएंगी। वहीं संजय स्वराज की बात करें तो राज खुराना की भूमिका में फिर से नजर आने वाले हैं, जो कि ये सीरीज आपको G5 पर ही देखने को मिलेंगे। साथ के साथ ही बता देता हूँ, निया शर्मा और रवि दुबे एक ऐसे एक्टर्स हैं कि इनका हर एक सीरियल TRP के मामले में सबसे आगे चलता है, क्योंकि आज के टाइम के सबसे महंगे दोनों ही सेलिब्रिटी गिने जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।